टीवी की दुनिया में अफेयर की खबरें काफी ज्यादा तेजी से फैलती हैं। हाल ही में इमली सीरियल फेम फहमान खान और सुम्बुल तौकीर का एक दूसरे से नाम जोड़ा जा रहा था। दोनों की लिंकअप की खबरें काफी ज्यादा फैल रही थी। हालांकि फहमान खान ने इस बात को साफ साफ क्लियर कर दिया था कि ये दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और इस तरह से इन्होंने अपने अफेयर की खबरों को अफवाह साबित कर दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ फहमान खान और सुम्बुल तौकीर ही वो इकलौते सितारे नहीं हैं जिनकी एक दूसरे से लिंकअप की खबरें आई हैं, बल्कि इनसे पहले भी टीवी के 6 और ऐसे सितारे रहे हैं जिनके अफेयर की अफवाह उड़ी थी। जी हाँ, तो आखिरकार वो कौन से सितारे हैं जिनका अपने ही को स्टार के साथ लिंकअप की अफवाह आ चुकी है। आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 1, प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा। लिस्ट के पहले नंबर पर नाम शुमार होता है प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा का, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अक्षरा और अभिमन्यु की जोड़ी में नजर आ रहे हैं और सीरियल में इन दोनों की लव केमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहे हैं। और हाल ही में खबरें आई थी कि प्रणाली और हर्षद चोपड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर इन दोनों ने इस खबर को झूठा बतलाया है। नंबर 2, रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला। दिल से दिल तक सीरियल के दौरान खबरें आई थी कि रश्मि देसाई और देवगन अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला भी एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए हैं, पर कुछ समय बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच में झगड़े हो गए। रश्मि और सिद्धार्थ के झगड़े बिग बॉस के घर में भी खत्म नहीं हुए थे, पर इन दोनों ने एक दूसरे से अपने इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम दिया था। नंबर 3, हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट। बेपनाह सीरियल के दौरान हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट के लिंकअप की खबरें आम बात थी। माना जाता है कि ये दोनों इस सीरियल के दौरान एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे। हालांकि इन दोनों ने भी इस खबर पर कभी भी बातचीत नहीं की थी और इसे अफवाह बताया था। नंबर 4, मोहसिन खान और शिवांगी जोशी। लिस्ट के चौथे नंबर पर बात करते हैं मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के बारे में, तो बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के दौरान इन दोनों के लिंकअप की खबरें काफी ज्यादा फैल गई थी, पर जैसे ही सीरियल से इन दोनों ने टाटा बाय बाय कहा, वैसे ही दोनों एक दूसरे से दूर भी हो गए और इस बात से साफ पता चला कि दोनों का रिश्ता सिर्फ को स्टार तक ही था। नंबर 5, मोनी रॉय और मोहित रैना। लिस्ट के पांचवें नंबर पर बात करते हैं मोनी रॉय और मोहित रैना के बारे में, जो कि देवों के देव महादेव सीरियल के दौरान ही एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और लोग भी मोनी रॉय और मोहित रैना को एक साथ देखना चाहते थे। हालांकि मोनी रॉय ने शादी करके अपना घर बसा लिया है और इन दोनों के लिंकअप की खबरें सिर्फ अफवाह साबित हुई। नंबर 6, पल्लवी पुरी और करिश्मा तन्ना। नागिन 3 के दौरान पल्लवी पुरी और करिश्मा तन्ना एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए थे। साथ ही बता दें कि करिश्मा तन्ना और पल्लवी पुरी की मुलाकात नागार्जुन सीरियल के सेट पर हुई थी। फैंस को लगा था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर पल्लवी पुरी और करिश्मा तन्ना ने अपने इस रिश्ते को गलत बताया था। तो दोस्तों, आप इन सितारों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।